फोन हैकिंग स्कैम इतना आम हो गया है कि हर दूसरा व्यक्ति इस जाल में फंस रहा है। ऑनलाइन स्कैम और फ्रॉड कॉल के जरिए दुनिया में काफ़ी सारे स्कैम, फ्रॉड और धोखाधड़ी की घटनाएं सामने आती हैं। हाल ही में ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिसमें नॉर्थ दिल्ली में रहने वाली एक वकील ने सिम स्वैप स्कैम के तहत 50 लाख रुपये गंवा दिए, जबकि इस मामले में ना तो वकील ने कॉल रिसीव किया और ना ही किसी को कोई डिटेल शेयर की। असल व्यक्ति के नंबर पर अननोन नंबरों से 3 मिस कॉल आई, जिसके बाद उनके अकाउंट से इतना बड़ा फ्रॉड हो गया। पुलिस ने शक जताया है कि ये सिम स्वैपिंग का मामला हो सकता है। बता दें कि साइबर अपराधियों ने दिल्ली की एक महिला वकील के अकाउंट में 50 लाख रुपए पार कर दिए हैं। इसके लिए अपराधियों ने ना महिला से OTP पूछा और ना ही अकाउंट की दूसरी डिटेल पूछी, बस ये पूरा कारनामा 3 मिस कॉल से ही अंजाम दे दिया गया। बता दें कि पुलिस रिपोर्ट के अनुसार पीड़ित महिला दिल्ली की एक कोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं और इसकी उम्र 35 साल है। बताया जा रहा है कि महिला वकील के मोबाइल पर 3 मिस कॉल आई थी, जिसके बारे में जानने के लिए महिला वकील अपने दूसरे मोबाइल से कॉल करती है, जिसके बाद बताया जाता है कि ये कोरियर डिलीवरी बॉय का नंबर है। इसके दौरान कोरियर वाला सिर्फ महिला का एड्रेस पूछता है और इसके बाद महिला के मोबाइल पर ट्रांजेक्शन के कई सारे मैसेज आते हैं। वहीं आगे बताया गया है कि शुरुआती जांच में महिला वकील के फ़ोन में ब्राउज़र में कई ऐसी चीज़ें सर्च की गई हैं जिसके बारे में महिला को जानकारी नहीं है। इसके अलावा फ़ोन में UPI से जुड़े कई सारे मैसेज, फिशिंग लिंक भी मिले हैं जिसके बारे में महिला को कुछ भी पता नहीं है। इस फ्रॉड के बाद महिला के पास एक शख्स का कॉल आया था जिसने खुद को IFSO ऑफिसर बताया था। शख्स ने महिला से बैंक स्टेटमेंट की मांग की थी, हालांकि महिला ने उसे कोई जानकारी नहीं दी। फिलहाल इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सिम स्वैप होता क्या है। सिम स्वैप का सीधा मतलब सिम कार्ड को बदल देना, यानी उसी नंबर से दूसरा सिम निकलवाना होता है। बता दें, सिम स्वैपिंग में आपके मोबाइल नंबर से एक नए सिम का रजिस्ट्रेशन किया जाता है, जिसके बाद आपका सिम कार्ड बंद हो जाता है और आपके मोबाइल से नेटवर्क गायब हो जाते हैं। ऐसे में ठगी के पास आपके मोबाइल नंबर से सिम चालू हो जाता है और इसी का फ़ायदा उठाकर वह आपके नंबर पर OTP मंगाता है और फिर आपके खाते से पैसे उड़ा लेता है। वहीं सिम स्वैपिंग के लिए अलग अलग तरह के मीडिया, सोशल मीडिया के ज़रिए पहले तो आप पर नज़र रखी जाती है और आपकी जानकारी जुटाई जाती है। कई बार आपको किसी अनजान नंबर से कॉल आती है और जानकारी ली जाती है। इससे बचने के लिए आपको सोशल मीडिया पर अपनी निजी जानकारी शेयर करने से बचना चाहिए। वहीं मोबाइल पर आए अनजान लिंक पर क्लिक और इसे इंस्टॉल करने से भी बचना चाहिए। साथ ही अपनी बैंकिंग डिटेल को भी अनजान लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। अब जानते हैं कि ऐसे स्कैम से बचना कैसे है। सबसे पहले, अगर आपकी सिम काम करना बंद कर दे तो तुरंत अब टेलीकॉम ऑपरेटर को सूचना दे। आप किसी दूसरे व्यक्ति को अपने फ़ोन पर पासवर्ड के बिना अपना सिम इस्तेमाल करने से रोकने के लिए सिम लॉक करवा सकते हैं। साथ ही आपको कभी भी किसी को भी अपनी निजी या बैंकिंग जानकारी नहीं देनी चाहिए और अगर आपके पास कोई संदिग्ध मैसेज या कॉल आता है तो तुरंत काट दें और पुलिस को सूचित करें। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएँ। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए N27 न्यूज़। आप देख रहे हैं N27 न्यूज़, पकड़ हर खबर पर।